हाय फ्रेंड्स, मैं गौरव कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल साइंटिफिक रीजन में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन है कि बारिश के समय बिजली क्यों चमकती है और बादल क्यों गरजते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लेटेस्ट वीडियो के लिए बगल वाले बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों, आपने भी कभी ना कभी बारिश के मौसम में बादल को गरजते और बिजली को चमकते ज़रूर देखा होगा। दोस्तों, क्या आपको पता है ये बिजली क्यों चमकती है और बादल क्यों गरजते हैं? दोस्तों, हम जानते हैं कि जब गर्म हवा पृथ्वी से आकाश की ओर बढ़ता है तो आंधी का रूप ले लेता है। वही गर्म हवा जब ठंडी होती है तो रेन क्लाउड यानी बारिश के बादल का निर्माण करता है, जिसको कि थंडर क्लाउड कहते हैं। जब यह गर्म हवा बादल के भीतर ठंडी होने लगती है, यह बादल के भीतर की पानी और बर्फ को नीचे गिराने लगती है। पानी और बर्फ को पृथ्वी पर तो गिरा देती है, और शायद आपने इस दौरान बिजली के झटके को ज़रूर नोटिस किया होगा। दरअसल बिजली तब चमकती है जब बादल के अंदर पानी और बर्फ कण यानी पार्टिकल्स तेज़ी से मूव करने लगते हैं। जैसे ही पार्टिकल्स यानी कण तेज़ी से मूव करता है तो वह अपोजिटली चार्ज हो जाता है और अलग हो जाता है। जो पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज होता है वह बादल के टॉप यानी शीर्ष पे पहुंच जाता है, और जो पार्टिकल्स निगेटिवली चार्ज होता है वह बादल के बॉटम यानी तल पर बैठ जाते हैं। बादल के तल यानी बॉटम पर निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स की मात्रा बहुत अधिक होती है, और ज़मीन पर मौजूद पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स की ओर आकर्षित होता है। जब यह आकर्षण काफ़ी मजबूत हो जाता है तो बिजली बादल से होते हुए हमारे भूमि यानी अर्थ तक पहुंच जाता है। यही कारण है फ्रेंड्स कि बारिश के मौसम में किसी पेड़ पर या किसी जगह बिजली गिरने की न्यूज़ सुनने को मिलता है। दोस्तों, लाइटिंग बहुत कम समय के लिए होती है और इसका तापमान सूर्य के तापमान से भी अधिक होता है। तो फ्रेंड्स, अब बात आती है कि बादल क्यों गरजते हैं। दरअसल दोस्तों, बिजली की गर्मी के कारण ही थंडर स्ट्रॉम यानी बादल गरजते हैं। दोस्तों, जब बिजली चमकती है तो वह हवा को गर्म कर देती है। गर्म हवा तेज़ी से फैलती है और ज़ोर से गड़गड़ाहट की आवाज़ होती है। इसे ही दोस्तों हम बादल का गरजना भी कहते हैं। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें।